दोस्तों, अगर आपका फास्टैग ब्लॉक्ड हो गया है या फिर इनएक्टिव हो गया है, या आप पेफोन पे या पेटीएम पे उसे चालू करते हैं तो इनवैलिड बताता है, तो किस तरह से आप उसे जो है फिर से एक्टिव कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का नॉलेज जो है आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके फास्टैग जो है वो तीन तरह से बंद हो सकता है। वो पहला कारण ये है कि यदि आपने अपने फास्टैग से ही दो तीन व्हीकल सेम मोबाइल नंबर से अगर आप रजिस्टर्ड करके रखे हैं तब ये परेशानी हो सकता है, या फिर आप उसी से अपना बाइक भी रजिस्टर्ड किए हुए हैं तब ये परेशानी आपको हो सकता है, या फिर आप बराबर उसे महीने में कई बार रिचार्ज कर ले रहे हैं तब जाके ये बंद हो सकता है। तो इसके लिए, चालू करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने पेफोन पे चले जाएँ और पेफोन पे आपको सेलेक्ट करना है फास्टैग। फास्टैग में आप अपना व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर ले तो इस तरह का परेशानी बताएगा। इसमें नो मोर में जाना है और वहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका बैंक, जिस बैंक के थ्रू आपने बनाया है, वो बैंक पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी या फिर आप पासवर्ड जो भी बनाए हैं उससे इसे खोल सकते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि आप गूगल पे चले जाएँ और जिस बैंक से आपने खोला है वो बैंक का नाम लिख के और उसके बाद जो है फास्टैग लिख दें और सर्च कर लें। तो जैसे पेटीएम से है तो पेटीएम बैंक फास्टैग करके, या फिर अभी आप इंडसइंड बैंक का है तो इंडसइंड बैंक फास्टैग करके टिप देना है। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जो है आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और देन आप देखेंगे उसके नीचे जो है या तो आप गेट ओटीपी प्रेस कर सकते हैं और या फिर अगर आप पासवर्ड बनाए हुए हैं तो आप अपना पासवर्ड दे के भी चालू कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम ओटीपी के थ्रू जो है इसमें लॉगिन करने वाले हैं। तो गेट ओटीपी दबाने के बाद जो भी ओटीपी मुझे मिला है वो मैंने इसमें एंटर कर दिया। देन आप देखेंगे कि लॉगिन पेज जो है खुल जाता है आपका प्रोफाइल और यहाँ पे आपको बता रहा है कि नन केवाईसी की वजह से ये बंद हो गया है। तो हम यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिशन पे प्रेस करेंगे। देन जो है आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पहले का जो डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड है वो दिखाएंगे और उसके नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो भी कॉलम्स खाली है उसे आपको भरना है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी जो है भरना शुरू कर दिया है और इस जगह पे आपको रखना होगा पैन कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो, वो भी क्लियर आप डॉक्यूमेंट से स्कैन कर लें, और आधार कार्ड का और एक खुद का फ़ोटो। ये तीन चीज़ आपको लगेगा और तीनों काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से खींचे हो। और उसमें जो नेम होगा वो नेम में आप इजी नेम रखें, कभी भी उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए वरना ये अपलोड नहीं लेगा। तो नेम में जो है आप रीनेम करके सिंपल सा कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका 8 डिजिट का जो है आधार नंबर हम देंगे और बाकी का 4 डिजिट जो है वेरिफिकेशन के लिए आप दें। तो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट जो है आधार नंबर का वेरिफिकेशन के लास्ट 4 डिजिट डाल दिया और जितने भी फ़ोटो आधार कार्ड या पैन कार्ड का जो भी वो जो रिक्वायर्ड है वो सारे फ़ोटोज़ जो है हम यहाँ पे अपने फाइल के थ्रू अपलोड कर रहे हैं। देन सारा चीज़ अपलोड करने के बाद जो है आपसे सबसे लास्ट में पूछा जाएगा एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देख के आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सारा एड्रेस यहाँ पे अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे। देन सबसे लास्ट में जो है आपको आपका अपना पिन कोड डालना होता है, तो वो पिन कोड जब आप डाल देंगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, देन ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या होगा, सक्सेस यहाँ पे दिखा दिया आपको, लेकिन आप देखेंगे कि अभी आपका रिचार्ज नहीं हो सकता है, इसमें 24 से 72 घंटा तक लग सकता है और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा, क्योंकि जब तक वहाँ जो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इस जगह पे पेंडिंग बताया जाएगा। देन आपका 24 से 72 घंटा के अंदर आपका फास्टैग फिर से चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।